स्मार्टनेस की बात हो और बार्बी डॉल कैटरीना स्मार्टनेस ना दिखाए, ये कैसे हो सकता है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नेक्स्ट नाइन न्यूज के स्पेशल शो स्मार्ट बॉलीवुड में। आज हम आपको बताने वाले हैं किस तरह से बॉलीवुड की बार्बी डॉल कैटरीना ने अपनी स्मार्टनेस से टाइगर को बिल्ली बना दिया था। सुनकर आप होंगे हैरानी, लेकिन सलमान खान ने खुद किया था खुलासा कि कैटरीना ने उन्हें बिल्ली बना दिया था। एक रियलिटी शो के दौरान टाइगर जिंदा है की शूटिंग के दौरान कैटरीना जब शूटिंग के दौरान एक्शन सीन से सलमान को बचाने वाले सीन को फिल्मा रही थी तो कुछ ऐसे इशारे कर रही थी मानो सलमान वहां पर कोई टाइगर नहीं बल्कि बिल्ली हो। ये कहते हुए सलमान खूब हंस पड़े थे, खूब हंसी के ठहाके लगा रहे। लेकिन इसके अलावा किस तरह से कैटरीना ने सलमान का दिल जीता, अपनी स्मार्टनेस से उनकी लापरवाही का उन्हें एहसास दिलाया, अपने गुस्से वाले रूप से सलमान तक की बोलती बंद कर दी, ये सारी सच्चाई आपको काफी शॉकिंग लगेगी, लेकिन ये सच है और इसका खुलासा खुद से सलमान ने किया था। कब, कहां और कैसे, जानते हैं हम अपनी रिपोर्ट्स के जरिए। दबंग खान सलमान खान टाइगर है ये तो सभी जानते हैं, क्योंकि एक था टाइगर फिल्म के बाद उनकी बीते साल रिलीज हुई फिल्म टाइगर जिंदा है ने वाकई में साबित किया कि बॉलीवुड के टाइगर तो सिर्फ और सिर्फ दबंग खान ही है। लेकिन टाइगर सलमान खान को बिल्ली बनाकर बार्बी डॉल कैटरीना ने खुद को ही महान साबित कर दिया। और हाल ही में वो वीडियो शेयर किया जा रहा है जिसमें सलमान खान कैटरीना कैफ जमकर मस्ती करते नजर आए। कैटरीना को कॉपी करते हुए सलमान खान डीआईडी शो के एक एपिसोड में जब ये बताते नजर आए कि कैटरीना टाइगर जिंदा है फिल्म के एक्शन सीन के दौरान उनसे इशारा करते हुए उन्हें साइड होने के लिए जब कह रही थी, उन्हें ऐसा लगा मानो वो बिल्ली बन चुकी हो। ऐसे में आंखें दिखा कर किस तरह अकड़ दिखा रही थी और अकड़ निकाल रही थी सलमान की कैटरीना, ये देखकर सभी हैरान हो गए थे। और उस वक्त एपिसोड का वो माहौल काफी ज्यादा हंसी ठहाके से भर गया था। बॉलीवुड के दबंग खान यानी कि सलमान खान इन दिनों अपनी आने वाली फिल्मों को लेकर खूब चर्चा में हैं। ये भी सभी जानते हैं कि सलमान खान की फिल्मी सफर हमेशा से ही लोगों को काफ़ी ज़्यादा लुभाते रहती है, जो फिल्म भारत के जरिए फिर कैटरीना कैफ के साथ नजर आने वाले हैं। लेकिन इस रिपोर्ट में हम आपको ये ज़रूर बताना चाहेंगे कि सलमान खान कैटरीना कैफ का जब कॉपी करते हैं तो सब उन्हें देखते रह जाते हैं। सलमान खान ने कैटरीना कैफ को कॉपी कब किया था और कैटरीना कैफ ने सलमान खान को कॉपी कब किया था, ये सभी जानते हैं। डीआईडी नाम के जिस भी रियलिटी शो की हम बात कर रहे हैं, उस रियलिटी शो में सलमान खान ने बड़े शानदार तरीके से कैटरीना कैफ को कॉपी किया। जब उनसे पूछा गया कि कैटरीना कैसे गुस्सा करती हैं, तो सलमान खान ने बताया, जब भी वो लापरवाही करते हैं, मतलब कैटरीना किस तरह गुस्सा करती है। इस बात पर सलमान खान ने कहा, वो कहती है, आज भी टाइम पे नहीं हो, आखिर क्यों, क्यों प्रोफेशनल नहीं हो, बहुत ज़्यादा भगवान ने तुम्हें चीज़ दी है लेकिन तुम हर चीज़ को बर्बाद कर रहे हो, तुम अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो। ऐसा कहकर वो सलमान खान को सीख देती हैं या फिर अपना गुस्सा निकालती, ये तो नहीं पता, लेकिन सलमान खान ने इस तरह से बताकर एक बात जाहिर किया है कि लापरवाही पर सलमान खान पर भी कैटरीना चीख कर उतारती हैं अपना गुस्सा, भाई फटकार लगाती है कैटरीना को जिस तरह से। ये खुद सलमान खान का कहना था रियलिटी शो के दौरान जब उनसे कहा गया था कैटरीना कैफ को कॉपी कर लो। सलमान खान और कैटरीना कैफ का रिश्ता कितना खूबसूरत है ये आप भी जानते हैं। दोनों एक दूसरे को अपना दोस्त मानते हैं ये आप भी जानते हैं। लेकिन आज एक ऐसा सच हम आपको बताने वाले हैं जिसके बारे में आपको शायद ही मालूम। सलमान खान तो कैटरीना के दोस्त हैं ये सभी जानते हैं, लेकिन कैटरीना कैफ के दोस्तों के लिस्ट में बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार अक्षय कुमार का भी नाम दर्ज है। सुनकर आपको होगी हैरानी, लेकिन अक्षय कुमार कैटरीना के बेस्ट फ्रेंड हैं। ये खुद कैटरीना का कहना है, जो कि अक्षय के जन्मदिन पर बीते दिनों खुद ही इस बात का खुलासा करते नजर आए। 51 साल के हो चुके हैं अक्षय कुमार और अपना वो 51वां जन्मदिन मनाते हुए काफी ज्यादा खुश थे अपनी पत्नी ट्विंकल खन्ना, अपने दोस्त बॉबी देओल और उनकी पत्नी टीना देओल के साथ। आपको ये जानकारी शायद ही हो कि अक्षय कुमार कैटरीना ने कई फिल्में की,
नमस्ते लंदन में दोनों को साथ देखा गया, वेलकम में दोनों को साथ देखा गया, दे दनादन में दोनों को साथ देखा गया, साथ में कई और फिल्में दोनों ने की। अक्षय और कटरीना की जोड़ी बॉलीवुड के पर्दे पर खूब पसंद किया गया। हालांकि सलमान खान के करीब आने के बाद कटरीना ने अक्षय का साथ काफी समय तक छोड़ दिया था। उनकी दोस्ती भी पर्दे के पीछे खास तौर पर सामने नहीं आती थी और फिर दोस्ती से ज्यादा वो अपनी मोहब्बत को ज्यादा प्रायोरिटी देने लगी। ये कहा जा सकता है कि सलमान खान उनके दोस्त होने के साथ उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी भी है। तभी तो अक्षय उनके बेस्ट फ्रेंड है, इसके बावजूद कटरीना सलमान खान को अपना दोस्त कह देती है, वो दोस्त जो हर किसी को अपनी जिंदगी में चाहिए होता है। सुनकर आपको होगी हैरानी, लेकिन कटरीना कैफ के दोस्त सलमान खान जरूर है, लेकिन सिर्फ दोस्त ही नहीं, सलमान खान कटरीना कैफ की जिंदगी में वो शख्स है जिन्होंने कटरीना की हमेशा से मदद की है, हमेशा ही उनके डूबते करियर को बचाया है। और ऐसा एक फरिश्ता ही करता है किसी की जिंदगी में, वो फरिश्ता जिसकी चाहत हर महिला को, हर लड़की को अपनी जिंदगी में होती है। ऐसे में पूरी दुनिया में सबसे हैंडसम हंक में आज भी टॉप सेलिब्रिटीज के लिस्ट में रहने वाले सलमान खान अगर किसी की जिंदगी में फरिश्ता बनकर आए हैं तो भाई उस जिंदगी में क्यों ना खुशियों की घड़ी हो। अब वो अगर कटरीना कैफ की जिंदगी है तो कैसे कटरीना सलमान खान से दूरी बने, सुनकर आप हो जाएंगे हैरान। लेकिन सलमान खान के सुख दुख के साथ ही कटरीना कैफ भी है, जो भले ही शादी के बंधन में अब तक सलमान खान के साथ ना बंधी, भले ही दोनों का रिश्ता सालों पहले रिलेशनशिप खत्म होने के बाद फिर से सिर्फ दोस्ती के साथ सामने आया हो, लेकिन दोनों ने अपनी दोस्ती को कभी भी किसी भी अफवाह का शिकार होने नहीं दिया। दोनों अपनी दोस्ती को बचा कर रखने के साथ अपने बेहद ही खूबसूरत बॉन्डिंग को, एक दूसरे की तारीफ करने के साथ एक दूसरे के बेहद ही अच्छे व्यवहार को शेयर करने में आगे रहते हैं। यही वजह है कि सलमान और कटरीना की जोड़ी को बॉलीवुड की सबसे टॉप मोस्ट एडोरेबल जोड़ी में आज भी शुमार किया जाता है। जानकारी देना चाहेंगे हम आपको, कटरीना को सलमान खान के फिक्र कई बार हुई है। उन्हें सिर्फ डांट फटकार लगाना ही नहीं बल्कि कटरीना ने उन्हें हमेशा से बचाया भी है। कई बार सलमान खान को शूटिंग के दौरान कटरीना कैफ खास तौर पर ध्यान रखते हुए मजाक मजाक में सुना भी देती हैं। भाई अब सलमान खान ने तो इसका खुलासा कर दिया है, ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि इन दोनों का प्यार वाकई में बेमिसाल है। ये दोनों एक दूजे के लिए है भाई, भले ही ये दोनों खुलकर अपनी बात फैंस के बीच रख ना पाते हों। तो सुना ना आपने, टाइम की परवाह ना करना, चीजों की परवाह ना करना, वेस्टेज ऑफ टाइम, लापरवाही और साथ में बेपरवाही, ये सब जो गुण सलमान खान के थे इसकी वजह से कटरीना गुस्सा थी। ऐसा सलमान का कहना है कि अगर कटरीना कैफ को आता है गुस्सा तो वो सेट पर ही आग बबूला हो जाती है, भड़क कर सब पर इस तरह से अपना गुस्सैल रूप दिखाती है कि सब हो जाते हैं चुप। सलमान खान ने जिस तरह कटरीना की एक्टिंग की है ये देखकर तो आपको भी ये जरूर लग गया होगा कि वाकई में भाई सलमान खान के दिल की धड़कन कटरीना वाकई में उनकी बहुत ज्यादा केयर करती है, तभी तो उनका गुस्सा जायज लगता है सलमान को। भाई हक है सलमान पर कटरीना को इतना कि वो उनकी वाइफ की तरह उनका ख्याल रखे, तभी तो उनके आगे सलमान की भी हो जाती है बोलती बंद। लेकिन ये रिश्ता है बेहद खास जो हमेशा यूं ही रहेगा, अनसुलझा अनजाना लेकिन सबसे जुदा। वक्त आ गया है आप सभी से अब यहीं पर इजाजत लेने का, तो स्मार्ट बॉलीवुड का हम यही करते हैं हम दिए, अगली बार लौटेंगे इसी तरह बॉलीवुड की स्मार्टनेस को लेकर आप सभी के बीच, ये बताने के लिए कि बॉलीवुड सेलिब्रिटीज में सलमान कटरीना का रिश्ता आखिर क्यों सबसे जुदा है, सबसे खास है, आखिर क्यों दोनों की शादी की अपडेट्स अब तक लगातार जारी है और दोनों की शादी को लेकर अब तक दोनों ने ना बिल्कुल नहीं कहा है, तो आपको भी है इंतजार, तो करते रहे दुआएं कि दोनों वाकई में सबके बीच शादी का ऐलान कर दे। बाय बाय, टेक केयर। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर,
कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर तो हमें संपर्क करें।